गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे पास कोई भी इंट्रो नहीं है। सारे यूट्यूबर्स के पास इतने अच्छे अच्छे इंट्रो होते हैं कि यू नो देखते हो यार दूसरे यूट्यूबर्स का ब्लॉग तो आपको पता होगा, मतलब उनके इंट्रोज इतने अच्छे होते हैं ना, लाइक हाय गाइस वेलकम बैक, हाय गाइस, और मेरा मतलब हाय गाइस कुछ भी। और कभी कभी तो मैं इंट्रो भी नहीं देती हूँ, मतलब मैं इतनी बोरिंग इंसान हूँ। आई थिंक मैं अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ ब्लॉग वगैरह करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम ही है। या इसके पहले मैं सिर्फ बैठ के बनाती थी, या लेट्स सी कि मैं कितने ब्लॉग्स बनाती। तो यार हम लोग ऐसे ही बाहर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि यार मैं हमेशा मिनी ब्लॉग बनाती थी, क्योंकि इसमें यार सारी चीजें यू नो डिटेलिंग में होती है। मिनी ब्लॉग में क्या होता है, 60 सेकंड में आप लोग क्या ही जानोगे। 8:16 हो रहे हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियोस बना लूं एंड मैं आपको सारी अपडेट देती रहूं। इसके पहले का जो वीक था ना वो काफी अच्छा नहीं था, मतलब अभी जो चीजें हैं वो अच्छी हो रही है धीरे धीरे, बट मैं आपको अपडेट दे दूंगी। मेरे चैनल पे हो चुके हैं 6 मिलियन, अभी नहीं हुए हैं, आई थिंक 5-6 दिन पहले ही हो गए, नहीं 10 दिन पहले हो गए 6 मिलियन। मैं अभी जाके वीडियोस बनाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर 6 मिलियन। ओ माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे चैनल पे 6 मिलियन हो गया है, लाइक सीरियसली 6 मिलियन। बट मैं नल्ली हूँ यार, मुझे कुछ नहीं करने का मन करता, मतलब मैं सोचती हूँ यार 6 मिलियन 5 मिलियन 4 मिलियन यार इतनी बड़ी चीज है, क्या क्या देखूँ, क्या करना है क्या नहीं, बट हम नहीं करते हैं ऐसे, बाहर जाते हैं बट हम ऐसे ही केक कट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। बट इस बार हम लोग जा रहे हैं 6 मिलियन सेलिब्रेट करने के लिए। वो जो हमने 1 मिलियन सेलिब्रेट किया था वैसा नहीं, यू नो कोई ग्रैंड पार्टी नहीं करने जा रहे, बस ऐसे ही जा रहे हैं। बट उसके पहले हम लोग जाएंगे जूडियो इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि मैं गई हूँ, मेरा भाई गया है, बट मेरी मम्मी मेरे पापा और मेरी बहन नहीं गई अभी तक जूडियो। मुझे वहां पे कपड़ों का कलेक्शन उतना अच्छा नहीं लगा था, बट मे बी इस टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया हो। बाकी जो मैंने मेकअप वगैरह की चीजें ली थी वो थोड़ी अच्छी थी, यू कैन सी दैट। नहीं अभी तो मैंने जूडियो का कोई मेकअप नहीं लगाया, बस ब्लश लगा एंड ब्लश भी इनका काफी अच्छा था। चलो चलते हैं एंड उसके बाद मे बी हम लोग जाए यू नो डिनर करने के लिए। जो अभी कुछ भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एज ऑलवेज, बट लेट्स गो। आई एम गोना रिकॉर्ड एवरीथिंग फॉर यू गाइस, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड फर्स्ट टाइम ये पहना है एंड आप सब नीचे देख सकते हो कि मैंने जीन्स पहना है अपना, यू नो पुराना, तो या लेट्स गो। मेरी बहन भी आ गई। सो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मेरी बहन आपको पीछे दिख रही है इनका भी 10K हो गया है, 10K नहीं 20K होने वाला है ना, बट आप बट इनका भी 20K होने वाला है एंड आज हम दोनों लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक तीर पे दो निशान मारने वाले हैं। भाई इतना खर्चा कौन करे, राइट निशान, एक खर्चे पे दो निशान, आई मीन। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर माय, वैसे मेरा 20K होने वाला है तो लव यू ऑल। सो हम दोनों लोग सेलिब्रेट एक ही में कर लेंगे क्योंकि यू नो बाहर का इतना खाना कौन खाए। जस्ट किडिंग गाइस, यू कैन सी एक के साथ एक फ्री बड़ा पैकेट विद छोटा धमाका। आई मीन कि एक सेलिब्रेशन। हाँ भाई अब दो तीन महीने और बचे, उसके बाद ससुराल चली जाएंगे तो ससुराल वालों के साथ सेलिब्रेट करेगा, हमारे साथ 10-20K ही सेलिब्रेट करिए, उसके बाद तो आप भाई 20 मिलियन 30 मिलियन सेलिब्रेट करेंगे। हमारे साथ ही करूंगी एंड देन तुम 100 मिलियन सेलिब्रेट करोगी जब मैं 10 मिलियन सेलिब्रेट करूंगी। ओके ज्यादा नहीं हो गया, ऑब्वियसली होगा जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारा 100K तब तक मेरे दांत टूटे होंगे एंड मैं देखो केक भी नहीं खा पाऊंगी, ऐसे ऐसे बोलेंगे हाय हाय देखते हैं मुझे कौन सी तो पता नहीं मिले। सुपर पे लोग ज्यादा बिलीव करेंगे है ना। देख सकते हो यहाँ पे मेरे भाई को बहुत ज्यादा पसीना हो रहा था तो हमारे पास वो वाला पाउडर नहीं था, तो मेरी बहन वो कॉस्मेटिक्स का पाउडर लगा रही है क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा गर्मी। एग्जैक्टली मैंने तबुकी वाले में पहना था एंड जब मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया देन आई गॉट टू नो यस ऐसा कुछ सीन था क्या, फिर मुझे याद आया कि नहीं मैंने पहना और मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करी थी। सेम मैंने फोन भी लिया था, मेरा भाई मेरे बगल में खड़ा था। आप लोग देख रहे हो ये लोग कितना ज्यादा नाटक कर रहे हैं, मतलब मम्मी पापा नीचे वेट कर रहे हैं और इन लोगों को देख लो। और आज ईद है गाइस। हाँ हैप्पी ईद, ईद मुबारक। यार भीड़ तो नहीं होगी ना ज्यादा बाहर शाम को? हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, यार जब भीड़ भी रहती तब माहौल ज्यादा अच्छा लगता है। हटाने दी लाइट, क्या पता नहीं चलेगा पता चल रहा पूरा। हाँ तो ऑब्वियसली अब तुम मेकअप करोगे तो मेकअप लगेगा कि तुमने किया नहीं, नेचुरल है देखो। हम लोग फाइनली निकल रहे हैं, मेरे घर वाले बहुत ज्यादा लेट करते हैं, मैं पहले ही रेडी हो गई थी एंड यू कैन सी दैट मैं बाहर भी आ गई हूँ एंड ये लोग देख लो अभी तक नहीं निकले। मुझे बाद में बैठूंगी ताकि मुझे विंडो सीट मिल जाए। इन दोनों को मैंने बैठा दिया। अरे मम्मी कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल मोरनी लग रही है। हाँ गाइज मैंने गेट खोला और देखो मेरे नल्ले भाई बहन अंदर जाके बैठ गए हैं, ये लोग एक नंबर के नल्ले इंसान हैं और मैं नल्लों से बात नहीं करती हूँ। तुमको कौन सा दुख है? मैम ऑटोग्राफ सर मैम ऑटोग्राफ रुकिए मैम प्लीज मूव।
गिव मी माई सीट, क्योंकि मैंने आज कार साफ की थी ना, तो मैं डिजर्व करती हूँ यहाँ पे बैठना। गाइस हमारे घर के पास दो लड़के टहल रहे थे, तो हमें लग रहा है कि वो चोर हो रहा है। एंड अभी हम बाहर निकले हैं तो मम्मी आंटी से बोल रही हैं कि आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग 5 मिनट 2 मिनट ही कार में बैठे होंगे एंड हम लोग फाइनली आ गए हैं स्टूडियो, क्योंकि हमारे घर के पास ही है। ले भाई बहन को आप लोग देख सकते हो कि ये लोग हमेशा आगे चले जाते हैं, मतलब इन लोग को सबर नहीं होती, पैसे पॉकेट में 1 रुपया होगा नहीं, और देखो कैसे जा रहा है मुंह उठा के। ओए आप लोगों के पास पैसे हैं क्या? पैसे हैं? बहन के पास है तो देखो, पापा उतनी दूर है यार, मम्मी रुक जाओ, पापा को तो आने दो यार, कोई आना। पापा को देखो, पापा किससे चैटिंग कर रहे हैं। मम्मी मम्मी देखो आते ही इनका शुरू स्टार्ट हो गया, मतलब देख लो। यू लव दिस स्टॉप? पता है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लास्ट टाइम से अच्छा है आज, इस बार यू नो कपड़ों का कलेक्शन है इनका, नहीं सेम ही है आई थिंक। वाओ ये वाला तो मैं ले सकती हूँ यार, मैं लूंगी ट्विनिंग करेंगे। मम्मी देखो सास, सो गाइज मुझे ये वाला टॉप बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रहा है टॉप। ये वाला टॉप मेरे पास सेम है, ले लीजिए। क्या हो गया? वो देखो क्या कर रहा है, अपना फेस देख रहा है मिरर में। लास्ट टाइम मैं मम्मी के लिए यहाँ से लिपस्टिक लेके गई थी, बट मम्मी ने बोला कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मम्मी आप देख लीजिए ना यहाँ पे आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आप तो आप खुद ही आ गई हैं, नहीं खोल सकते हैं, यहाँ पे सारे वो रखे हुए हैं ना, यहाँ पे आप ट्राई कर सकती हैं। लेकिन पता हाथ पे लगा के देखिएगा लिपस्टिक। अच्छा लग रहा है, बट मैं सोच रही हूँ मैं इसको लूँ या ना लूँ, और इसमें साइज भी मेरे नहीं है, तो आई एम सो कन्फ्यूज। आप लोग बताओ कि मैं लूँ या ना लूँ। दुष्ट लोग हैं कि मुझे बिना बताए ऊपर चले गए, ये खड़ी होकर मेरा वेट कर रही है। सो गाइज अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, आप बताइए मैं क्यों बताऊँ, हमेशा मैं ही बताऊँ। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें किस रेस्टोरेंट में जाके खाना है, एंड हम कभी भी सोच के नहीं निकलते हैं, जो कि हमारे घर की बहुत यू नो वो प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, रेसिडेंट चली एक बार गए थे वहाँ पे हम लोग, हाँ, और वहाँ पे बहुत गंदा खाना दिया था, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कुछ भी कभी गई हो तो मेरे बर्थडे ना, हे सुनो मैं गई थी तुम्हारे साथ, छोड़ने का कुछ झूठ, सो मैं गई हूँ वहाँ पे, मुझे एक्सेप्ट करो कि तुम झूठ बोली हो। किशन तुम सुने हो? किशन नहीं सुनता है मेरी बात, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। इन रेस्टोरेंटों में घूम चुके हैं, कोई भी ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है गाइस, तो हम गाड़ी में बैठ के टहल रहे हैं। झूले वूले लगे हैं, तो मैं सोच रही अपनी बहन को वहीं बैठा दूं। फाइनली हम लोग कहीं तो आए हैं। सो गाइस हमारी बेइज्जती हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि रेस्टोरेंट यहाँ पे है ही नहीं एंड बंद हो चुका है, तो हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं। भाग गया, काफी अच्छा कंटेंट मिल रहा है, मतलब हम लोग कब से रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल ही नहीं रहा है, सो वी आर जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर। हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और हमें कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है, क्यों मम्मी? चलेंगे सिनेमन में। अब वो लोग सिनेमन में जा रहे हैं। कहाँ कहाँ गई वो भी बता। मम्मी मेरा 6 मिलियन हो गया, आप क्या कहना चाहती हैं? गुड बेटा गुड। दीदी आप क्या कहना चाहती हैं? वेरी गुड बेटा वेरी गुड। किशन तुम क्या कहना चाहते हो? पापा आप क्या कहना चाहते हैं? 2-4 महीने पीछे हो गए तुम, 6 मिलियन तुम्हारा 3 महीने पहले हो गया होता अगर तुम दिल्ली वाली अपना एजुकेशन का प्लान नहीं बनाई होती। ठीक रोशन आप क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। आपको याद होगा हम लोग जीजू के साथ आए थे, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो सिस्टर्स केम टू मीट हर। मधुमक्खी आर दे डाइंग लिटरली, they are dying to meet you, they're saying कि तूने मुझे क्यों कॉपी किया। खाने का मन कर रहा है नॉर्थ इंडियन, मेरी बहन का साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा है। वी गोना ऑर्डर सम नॉर्थ इंडियन फूड। गाइस मेरी वीडियो ट्रेंडिंग गई है, कितने पे गई है?
ट्रेंडिंग ऑन सिक्स. आई एम ट्रेंडिंग ऑन सिक्स ऑल ओवर इंडिया एंड वाइल्ड सेलिब्रेटिंग 6 मिलियन में सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी मेरी वीडियो ट्रेंडिंग ऑन सिक्स है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी इन ऑल ओवर इंडिया. और ये वीडियो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि ये वीडियो 15 सेकंड की है, 15 सेकंड से भी कम की है. मेरा आइडिया इसमें कॉपी किया था. मेरा आइडिया झूठी है ये. क्या बोला आपने? मैंने इसको ये आइडिया दिया. केक का भी है एक कैफे जो भी वो केक की बेकरी है, तो आप ले सकती है मेरे लिए 6 मिलियन का केक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या भाई मेरी चुगली कर रहा है मेरी मम्मी से पता नहीं क्या है. हम संस्कारी बनने की कोशिश कर रही है यहाँ पे. खाना देखने में तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है. खा लिया तुमने? जब फर्स्ट टाइम ये हाथ धुलने वाला मम्मी के पास आया था तो मम्मी सोच रही थी कि इसको पीना है. हाँ, मम्मी पीना है. हम थे नहीं, हम समझाए नहीं, मतलब पापा समझा दिए. थोड़ी देते हम. और गाइस इस रेस्टोरेंट में इतना शोर हो रहा है, इतने सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे, बच्चे बैन होने चाहिए. देखो कैसे मुझे देख रहा है. क्या है, क्या है? बहन को कोल्ड ड्रिंक का नशा हो रहा है. मेरे मुझे पीने का शौक. देखिए मेरे पापा मुझे 6 मिलियन का पार्टी दे रहे हैं. गोइंग एंड खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था. मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा. गाइस हम लोग जा रहे थे केक लेने के लिए एंड आप सब देख सकते हो ये अभी तुरंत ये लोग बंद कर रहे हैं. हे भगवान, मैंने सोचा था मैं 6 मिलियन का केक कट करूंगी. 6 मिलियन का कट कर. क्या क्या घर पे पापा रसमलाई लाया, उसको हम कट कर. लेकिन मैं रसमलाई नहीं खाती हूँ. दिल्ली हमने केक ले लिया. तो गाइस मैंने ये कुकीज भी लिया है, खेल लिया. अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी सीखने के लिए. तो लेट्स गो. देख रहे हैं कि ग्राउंड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, गड्ढे वड्ढे भी हैं बीच में, बट कोई बात नहीं. तो सबसे पहले मेरी बहन स्टार्ट करेगी, फिर मैं और फिर मेरा भाई. आप सीखना चाहेंगी? करने जा रहे हैं. मम्मी रुक जाएंगे, मम्मी रुक जाएंगे ना प्लीज. अच्छा बैठो ना. देखो पहले हम बता दें. देखो नहीं नहीं, हम नहीं बैठेंगे, हमको उतार दीजिए. अरे ये कौन बात होगी, उतार देंगे. वही ना, बच्चे आपके. कैसे कैसे नहीं उतरेंगे. देखो ये पता नहीं कौन बदतमीज गाड़ी चला के गया, उसकी वजह से देखो कितना धूल आ रहा है. और मम्मी वहाँ पे खड़ी हो गई है. सो मैं जा रही हूँ. किशा मेरी वीडियो बना ले. पहली बार बैठने जा रही है ऑटोमेटिक कार में और वो जा रही है ड्राइव करने. डरावना एक्सपीरियंस था. अभी डरावना एक्सपीरियंस लिया था. ये डोनट और ये दो तरीके की बिस्किट जो की है कुकीज एंड पिस्ताशियो मिले थे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो यार अगर आप लोग हमें देखते हो तो प्लीज आ जाया करो, यू नो हमें काफी अच्छा लगता है. एंड मेरी वीडियो 6 नंबर ट्रेंडिंग पे चल रही है. एंड मैंने कार भी चलाना सीखा. ओ माई गॉड, फर्स्ट टाइम मुझे काफी ज्यादा डर लगा था. मतलब पापा, ओ माई गॉड, मतलब पापा, यू नो मुझे पापा से काफी ज्यादा डर लगता है. जो इंडियन यू नो डैड्स होते हैं वो कैसे सिखाते हैं चीजें, एक बार सिखाया दूसरी बार फिर चिल्लाने लगता है. यार पहले यार वहां का कलेक्शन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. कुछ भी नहीं पता मेरे पास, मैं 2 बार गया हूँ, कुछ ढंग का नहीं था. प्लीज अगर वो जूडियो गोरखपुर वाला है तो प्लीज सुन लो, ढंग का कलेक्शन लगा. एक भी ढंग मेरा था, मतलब दिमाग खराब हो गया. सबसे कम गंदा वाला था. मतलब ये इसको पसंद आई, ये एक शर्ट इसने लिया है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है. बट जूडियो में यार पता नहीं क्यों ना जैसे लगता है कि सारी चीजें इतनी बिखरी हुई रखी है, अनऑर्गेनाइज है. यू नो लड़कियों में भी बहुत सारी चीजें थी. बट क्या कहते हैं, कौन सा स्लीव होता है, हाफ स्लीव, कौन सा पतला सा, स्ट्रिप्स वाले थे तो मुझे स्ट्रिप्स वाले नहीं पसंद है. तो हमने छोटी मोटी चीजें ली हैं, लाइक आई गॉट दिस क्लच जस्ट लुक एट दिस इज सो क्यूट. मेरे पास इस तरह का था. ये रबड़ किससे लिया? अभी मुझे कमेंट आया है कि आई एम सी, मतलब इन्होंने मुझे जूडियो में देखा है, किसी ने कमेंट किया है. मैंने ये लिया वेट वाइप्स, मुझे काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो तुमने लिया है क्यूकम्बर, क्यूकम्बर का और ये लेमन का आपने लिया. मैंने लेमन का बिकॉज आई लव पिंक कलर बिकॉज आई एम सो गर्ली. एंड हमने लिया है ये मेकअप रिमूवर क्योंकि गाइज मैंने जो लास्ट वाला लिया था ना, मैं पता है जूडियो सिर्फ ये चीज लेने के लिए जाऊंगी कि स्पेस खत्म हो गया है.
सो ये देखो पीछे इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है. सो नेक्स्ट मैंने लिया ये वेट वाइप्स. हमने लिया इतना सारा नेल पेंट. आई लव नेल पेंट सो मच. सो मुझे रेड वाला चाहिए था लास्ट टाइम मैंने नेल लिया. ये वाला मेरा है, बाकी मेरी बहन का है. ऐसे दिखा दो लाइन से. सो ये मुझे काफी ज्यादा इसका कलर थोड़ा यूनिक सा लगा था इसलिए मैंने लिया. और रेड यू नो मुझे चाहिए था बहुत दिन से, मेरे पास रेड कलर नहीं था. एंड ये जो पर्पल वाला है ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. इस टाइप का तो है आई थिंक. That's so cute. ये लिया है मैंने रबर बैंड. I don't know. इसमें बाल नहीं फंसते पता है? मुझे तो लग रहा था इसमें बाल फंसते हैं. फंसते नहीं है इसमें बाल. हाँ दैट्स इट. मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो उस पर मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि व्हाट हैपेंड. कुछ लोग मेरे बात से यू नो एग्री भी थे कि यार हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो लास्ट की जो हमारी वीक थी, जो लास्ट वीक था और ये जो वीक चल रहा है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यू नो हार्ड था, मेरे और मेरी फैमिली के लिए. तो मैंने सोचा था यार कि चलो ऐसे बाहर चलते हैं. मेरा ये नहीं था यार 6 मिलियन का सेलिब्रेशन करना था. एक्चुअली जो मेरे भाई की तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 3-4 दिन से हम पूरे लोग सोए नहीं थे. मतलब रात से उसकी तबीयत ख़राब होते 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 5, 6, 7, 8 बज जाते थे और उसकी तबीयत वैसी ही रहती थी. हम 3-4 हॉस्पिटल गए थे. कल भी हम गए थे हॉस्पिटल. बट अभी उसकी सिचुएशन ठीक है, ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है. इट वॉज लाइक कि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है स्ट्रेस की वजह से. प्लीज़ आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, मुझे यही बोलना था. क्योंकि फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अगर आपको कुछ भी होगा तो आपकी फैमिली होगी जो आपके साथ रहेगी. सो प्लीज़ आप लोग उनका ख्याल रखो. बाहरी वाले कोई आने वाला नहीं है. एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे किसी से दुश्मनी है, मुझे बस ये है कि हाँ फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो उनका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो. और या आजकल के बच्चे जो होते हैं यू नो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते हैं. तो मैंने अपने भाई को समझाया, सबने समझाया उसको प्यार से बैठा के. बट कुछ किसी चीज़ से रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, धीरे धीरे इंसान होता है. ऐसा नहीं कि हमने उसे समझा दिया तो वो ठीक हो जाएगा. बट उसको धीरे धीरे समझना भी होगा, फिर धीरे धीरे ठीक होगा. एंड जो भी ओवरथिंक करते हैं स्ट्रेस लेते हैं मत लो, क्योंकि ये आगे चल के बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है. आप सो भी नहीं सकते हो रातों में प्लीज़. एंड फ़ोन वगैरह रातों में चलाना छोड़ दो, टाइम से सो, टाइम से उठो. क्योंकि मैं बता रही हूँ फ़ोन इज़ वेरी डेंजरस. भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, उनसे ही सब कुछ हो रहा है. बट फिर भी कंट्रोल करो, सोने की कोशिश करो. रात भर फोन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं. और स्ट्रेस मत लो छोटी छोटी चीज़ों में. अकेडमिक स्ट्रेस भी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा. मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा यू नो स्ट्रेस में रहता क्योंकि कॉलेज में इतने सारे काम, प्रैक्टिकल से लेके हर एक चीज़ है. आपको पता है हम लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बनाते हैं. मेरे भी एग्जाम्स आने वाले, मैं भी इतनी स्ट्रेस में थी कि वो पता है बॉडी में चेंजेस होना पता चल जाता है स्ट्रेस की वजह से. और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे एग्जाम्स हैं, फिर हर एक चीज़ है ना, तो उसकी वजह से स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है ना कि पता चल जाता. ऊपर से मेरी भाई की तबीयत खराब हो गई थी कि मुझसे कोई भी काम नहीं किया गया. मेरे पास जो भी वीडियोज़ वगैरह होती थी मैं उसको एडिट करके डालती थी. 1-2 दिन मैंने वीडियोज़ भी नहीं डाली, मतलब 4 दिन में. और इसके पहले भी पता है मैं आराम से सो ही नहीं पाती थी. मतलब इतना काम रहता था ना कि रात में मैं सो ही नहीं पाती थी स्ट्रेस की वजह से. स्ट्रेस इज़ लाइक कि डर लगता था कि एग्ज़ाम आने वाला है, काम करना है, ये करना है, वो करना है. बट यार फिर मैंने रियलाइज़ किया आई एम जस्ट 20 और मैं इतना सारा स्ट्रेस ले रही हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है. तो या बट इससे तो मेरा एग्ज़ाम का डेट वेट चेंज नहीं होगा, बट फिर भी वो रहेगा. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इतना स्ट्रेस नहीं लूँगी, टाइम से सोऊंगी. एंड दिन में भी काफ़ी टाइम होता है तो हम सुबह जल्दी उठ के हम लोग काम वाम कर सकते हैं. आप देख भी सकते हो कि जो मेरा फेस का फैट है खा के आ रही हूँ बोल रही हूँ, तो आप लोग देख भी सकते हो मेरा फेस का थोड़ा सा फैट जो है वो कम हो गया. जो मेरी डबल चिन थी वो थोड़ी सी यू नो वो हो गई है. तो ये सब स्ट्रेस की वजह से ही होता है, मतलब वेट लॉस वगैरह सारी चीज़ें. मुझे यही बोलना था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातें कर लूँ. अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक हुई तो मैंने सोचा चलो यार बाहर चलते हैं, थोड़ा सा सबका माइंड डाइवर्ट होगा. यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी पियो. एंड बर्ड्स और जो भी जानवर वानवर हैं उनके लिए पानी रखो. मैं तो रखती हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ. वैसे रात हो गई बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ. देखो मेरे पास ये था ना, ये डेकोरेशन का है, बट इसमें देखो मैंने पानी रख दिया है और एकदम ठंडा होगा पानी. इसमें ये जो बर्ड्स वगैरह आती हैं ना यहाँ पे बैठती हैं, यहाँ पे रेली वगैरह पे बैठती हैं तो वो लोग पी लेती हैं. सो यार ऐसे ही तुम भी लोग पानी वानी थोड़ा सा रख दो ताकि गर्मी में यार सब पानी पिए, सब हेल्दी रहे. बाय. वोक अप एट 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like